जिला विकास आयुक्त शोपिया चौधरी मोहम्मद यासीन ने आज मस्तपोरा केलर और अरहामा शोपिया का दौरा कर वहां चल रहे रिसीविंग स्टेशन के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सब ट्रांसमिशन डिवीजन द्वारा रिसीविंग स्टेशन 6.3 MVA मस्तपोरा केलर में लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से और रिसीविंग स्टेशन 10 MVA अरहामा शोपिया में 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया जा रहा है। इस अवसर पर DDC ने संबंधित अधिकारियों से इन रिसीविंग स्टेशनों के प्रभावी और समय पर पूरा होने के लिए सभी स्रोतों को जुटाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इन रिसीविंग स्टेशनों के पूरा होने पर इन क्षेत्रों के निवासियों को बिना रोक टोक के बिजली की सप्लाई मिलेगी और इस तरह उनकी लंबे समय से लंबित मांगे पूरी होगी। उन्होंने उपस्थित लोगों को आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन हमेशा लोगों की हर संभव मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है।